नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे होममेड के 9 वैट के रिसेस्ड आरजीबी स्मार्ट लाइट का। इसी ब्रांड के स्मार्ट स्विचेस के बारे में एक डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ। ये एक इंडियन ब्रांड है जो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, मेनली स्मार्ट स्विचेस, जो कि अमेजन अलेक्सा और गूगल इन दोनों के ही स्मार्ट होम के साथ इंटीग्रेट होती है। वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इधर मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। ये 9 वैट उसी के साथ 15 वैट ऐसे दो वैटेज में अवेलेबल है। ये कूल वाइट, वाइट, वार्म वाइट उसी के साथ आरजीबी के सारे कलर्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए अनबॉक्सिंग के साथ शुरुआत करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इस तरह से बॉक्स खोलूं तो हमें हमारा अंदर लाइट मिल जाता है। इसके जो ब्रेन्स है 9 वैट स्मार्ट वाईफाई एलईडी ड्राइवर, इसमें ही सारी स्मार्ट सर्किटरी और वाईफाई का एंटीनास भी है। अगर लाइट की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये जो क्लिप्स है ये मेटालिक है, काफी सॉलिड तरीके से यहाँ पे इसे बनाया गया है। उसी के साथ ये जो हीट सिंक है ये भी मेटालिक है, लेकिन ये बाकी जो पूरी बॉडी है ये प्लास्टिक से बनी हुई है। यहाँ पे क्लियरली मेड इन इंडिया लिखा गया है। अगर हम बॉक्स में और देखें, हमें इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दी गई है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारे डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे स्ट्रेंज बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो उन्होंने ऐप का जिक्र किया है, ये स्मार्ट लाइफ करके ऐप का जिक्र किया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इनके जो सारे स्मार्ट स्विचेस है और बाकी के सारे पेरिफेरल्स है ये इनके होममेड स्मार्ट ऐप के साथ चलते हैं। तो मैं ये भी टेस्ट करूंगा कि क्या ये लाइट हम होममेड स्मार्ट ऐप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग एप्स बिल्कुल सेंस नहीं करते हैं। एक ही ऐप से सारी चीजें चलनी चाहिए। बॉक्स देखें तो इस साइड पे यहाँ पे लुमिन्स उन्होंने 810 लिखे हैं। ये जो लुमिनिसिटी है ये हमें सिर्फ व्हाइट और वार्म व्हाइट कलर्स में ही मिलती है। आरजीबी कलर में इसकी ब्राइटनेस इससे अच्छी खासी कम रहती है। अगर आप एमआरपी देखें तो 2999 ये एमआरपी दी गई है, लेकिन ये मुझे ऑनलाइन 1149 में ही मिला है। परचेस लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर इस साइड पे देखें, यहाँ पे उन्होंने ऐप डाउनलोड करने के लिए बॉक्स के ऊपर होममेड स्मार्ट का ही क्यूआर कोड दिया है। लाइट की खासियतें यहाँ पे दर्शाई गई है। यह स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर लिया है। हम जैसे इसे ऑन करते हैं ये व्हाइट कलर में ऑन हो जाता है, किसी भी नॉर्मल लाइट की तरह। ये फर्स्ट टाइम आपको रिसेट करने की कोई जरूरत नहीं है, पेयरिंग मोड में होता है, लेकिन किसी कारणवश ये पेयरिंग मोड में आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बस ये पावर बटन को 3 बार ऑन ऑफ करना है और ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और ये पेयरिंग मोड में जाएगा, जिससे कि आप इसे ऐप थ्रू ऐड कर सकते हैं। आपको आपके फोन को 2.5 GHz पे कनेक्ट करना है, 5 GHz पे नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म दबाता हूँ इस लाइट की ऐड करने की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। होममेड स्मार्ट ऐप से भी ये कंट्रोल हो ही रहा है, हमें वो दूसरा ऐप डालने की जरूरत नहीं है। ये लाइट ऐड हो गया है और यहाँ पे मैंने उसे कॉर्नर लाइट करके नाम दे दिया है। आप जो चाहे वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं और फिर हमें इसे डन करना है। हम इस पेज पे आते हैं तो अगर मैं इसे बीच में लेके जाऊंगा तो ये अब व्हाइट पे गया है, और अगर अब मैं इसे इस साइड लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हैं वार्म व्हाइट के कलर टोन में गया है। तो आप इस पूरे ही सेक्शन में जो चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है वो कूल व्हाइट में ही आपको मिलती है। यहाँ पे ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ कलर एक ऑप्शन है, तो जैसे मैं कलर करता हूँ ये देखिए बाय डिफॉल्ट रेड कलर पे गया है, और इधर आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस सब्सटेंशियली कम हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बीच में जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो वैसे व्हाइट नहीं है, ये कैमरा उसे इस तरह से होल्ड कर रहा है, ये पूरा ही सेम कलर में आ रहा है। मैं इस तरह से अलग अलग कलर्स चूज कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ वो हमारे लाइट पे भी रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे आरजीबी की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ नीचे देखें तो टाइमर का ऑप्शन है, पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाना चाहते हैं तो, और मोर में अगर हम जाए तो बाकी भी ऑप्शन दिए गए हैं। उसी के साथ हम इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई हब नहीं लगता है, ये सर्वर थ्रू चलता है। इधर ऊपर और हमें दो सेक्शन दिए गए हैं, एक सीन है, तो अगर हम सीन में देखें तो यहाँ पे नाइट, रीड, फिर लीजर, यहाँ पे एक कलरफुल करके ऑप्शन है। कंटिन्यूस अलग अलग आरजीबी कलर चाहते हैं
तो आपको कलरफुल इसे सिलेक्ट करना है। तो ये अलग अलग उन्होंने मूड दिए हैं, तो आप इसके हिसाब से जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि म्यूजिक सिंक करके ऑप्शन दिया है, तो अगर मैं म्यूजिक सिंक चूज करूँ तो मैं अगर बात भी करूँ अलग अलग RGB में लाइट चेंज होना शुरू हो जाता है। ये देखिए आप इधर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पे तरह से म्यूजिक प्ले करूँ इस तरह से, मल्टीपल अगर आपने लाइट्स लगाई है उन्हें ग्रुप करके उस पूरे ही ग्रुप को एक ही कलर में या म्यूजिक के साथ सिंक कर सकते हैं, तो सारे ग्रुप की वो जो लाइट्स है, अगर 4 लाइट है 5 लाइट है एक साथ सिंक होके एक ही कलर को आउटपुट करेंगी। तो अगर आपको पूरे आपके रूम में मूड लाइटिंग चाहिए तो आप इस तरह से इसे आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसमें दिया गया है और उन्होंने स्पेसिफिक इसका मेंशन भी किया है। दोस्तों उसी के साथ होममेड की हमें LED स्ट्रिप भी मिलती है जो कि स्मार्ट कंट्रोलेबल है। मैं ट्राई करूंगा हम उसका भी रिव्यू करें। तो ओवरऑल अगर आपने ये प्रोडक्ट देखा तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि इसकी जो पूरी ब्राइटनेस है व्हाइट कलर शेड्स में ही है और RGB की खास कुछ ब्राइटनेस है नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल लाइट्स आप कंबाइन करें तो जरूर मूड लाइटिंग के लिए ये इनफ है। तो अब हम ये देखते हैं कि गूगल के साथ इसे हम किस तरह से सेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल होम को चालू किया है, अब हम देखते हैं हम इस लाइट को किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। हे गूगल, चेंज द ब्राइटनेस ऑफ कॉर्नर लाइट 200%। और आप देख सकते हैं कि इसने लाइट की ब्राइटनेस ना सिर्फ 100% बढ़ाई है, यहाँ पे भी उसने हमें इस डिस्प्ले पे उसकी सेटिंग लाके दी है। तो हम इधर से भी वापस, जैसे आप देख सकते हैं, इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं उसे वापस बोलूं, हे गूगल, चेंज द कलर ऑफ कॉर्नर लाइट टू ग्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट का कलर ग्रीन हुआ है। चेंज द कलर ऑफ कॉर्नर लाइट टू रेड, तो आप इस तरह से काफी आसानी से आपके पसंदीदा कलर को भी गूगल वॉइस असिस्टेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं और आप मूड लाइटिंग सेट कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी सेटअप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्ड क्वालिटी भी प्राइस के लिए काफी अच्छी है। ओवरऑल इसकी जो वर्किंग है वो भी मैं कहूंगा काफी सीमलेस है। होममेड की RGB स्मार्ट कलर स्ट्रिप भी आती है, तब हम ये देखेंगे कि क्या वो स्ट्रिप और ये हमारी लाइट ये दोनों एक साथ कॉन्फिगर हो पाती है कि नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप वो वीडियोस को मिस ना करें। जिन्हें RGB रिसेस लाइट चाहिए, चाहे वो 9 वाट में हो या 15 वाट में हो, उनके लिए ये एक ऑप्शन अच्छा है। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा उन सारे सवालों का जवाब दूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।